ये गलत है कुमार स्वामी जी, आप ये स्टेटमेंट कहने के बाद लोग आपको बोल रहे हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, आप आपका बयान वापस लेना और क्षमा मांगना लोगों से। 3000 महिलाओं का जिंदगी का प्रश्न है ये, पहला प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करो। बीजेपी वालों ने इलेक्शन के समय में हिंदू महिला और मुस्लिम ऐसा आप डिविजन करके वोट लेने के लिए कितना आवाज उठाया आप, उस समय नेहा हिंदू महिला हो गई। ये 3000 महिला कौन है? येडियुरप्पा जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी कौन है? अमित शाह जी? 3000 महिलाओं का जिंदगी क्या हो रही है? दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। इसी महीना 30 तारीख को हासन में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रही है, हासन चलो CPIM पार्टी हासन चलो, ये जन आंदोलन को हमने बेंबल कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने आग्रह कर रहे हैं कर्नाटक सरकार और जो केंद्र का सरकार है, प्रज्वल रेवन्ना कहीं भी हो पहला अरेस्ट करो। और आज हमने एक स्टेटमेंट कुमार स्वामी का हम देखे हैं, कुमार स्वामी कहा है कि ये जो 30 तारीख का आंदोलन है वो कांग्रेस प्रायोजित है। हम कुमार स्वामी को ये कहना चाहते हैं, कुमार स्वामी जी आप तो एक्स CM भी है और आप जब भी स्टेटमेंट देते हैं थोड़ा दिमाग लड़ा के आप विवेकपूर्ण आप स्टेटमेंट देना अच्छा है। इससे पहला भी आप स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद है कि आपके JDS यस मतलब सेकुलर है, आप कम्युनल फोर्स के साथ गए थे उस समय में भी अधिकार के लिए, कि उस समय लोग आपको पूछे थे कि आप क्यों कम्युनल वालों के साथ गए हैं, आपका पार्टी के अंदर तो आपका JDS यस का मतलब सेकुलर है। उस समय कुमार स्वामी जी कहा था कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, इसका मतलब क्या है, तो उस समय उनका अविवेक हमें मालूम है और इस बार भी उन्होंने इतना अविवेक उन्होंने व्यक्त किया है कि 30 तारीख का ये आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है, ये गलत है कुमार स्वामी जी। आप ये स्टेटमेंट कहने के बाद लोग आपको बोल रहे हैं कि आप प्रज्वल रेवन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर 30 तारीख का जन आंदोलन को आप ऐसा स्टेटमेंट करते तो आप समर्थन कर रहे प्रज्वल रेवन्ना का, ये सख्त गलत है कि लोग आपके खिलाफ आंदोलन करते हैं, आप आपका बयान वापस लेना और क्षमा मांगना लोगों से, ये हमारा ये आग्रह है। और इसके साथ हमने ये कह रहे हैं कि जो 3000 महिलाओं का जिंदगी का प्रश्न है ये, इसीलिए हमने कहते हैं पहला प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करो, जो जो लोग इनमें है इस साजिश में है उनको भी अरेस्ट करो और उनको भी शिक्षा होना जरूरी है। और इसके साथ हमने बीजेपी का ऊपर हमने एक बात कहना चाहते हैं कि बीजेपी वालों ने हमेशा बात तो करते हैं हिंदू संस्कृति हमारा, हम हिंदू लोगों का साथ है, हिंदू वोट चाहिए, नेहा प्रकरण हम भूले नहीं है, इलेक्शन के समय में उनका जो प्रेमिका फयाज था उनका हत्या किया था उन्होंने नेहा, इस प्रकरण आपने हिंदू महिला और मुस्लिम ऐसा आप डिवीजन करके वोट लेने के लिए कितना आवाज उठाए आप, कितना आंदोलन करें, उस समय नेहा हिंदू महिला हो गई। ये 3000 महिला कौन है? येडियुरप्पा जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी कौन है? अमित शाह जी? 3000 महिलाओं का जिंदगी क्या हो रही है और किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जो आदमी 3000 महिला के साथ इतना बर्ताव कर रहे हैं कि उनका कोई गलती नहीं है, आप उनको असहायता का छड्डा में गिरा के कि उनका जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इलेक्शन में कि प्रधानमंत्री आप आकर उनके तरफ से आप वोट मांगे है कि 3000 महिला हिंदू नहीं है, कहां है शोभा, कहां है वो श्रुति, वो गारंटी के ऊपर उन्होंने बयान कर रही थी, कहां है उनके जितने भी महिला है स्मृति ईरानी ये वो सभी, हम महिला महिला बोलकर उन्होंने ऐसा छाती ये करते हैं ना, तो कहां है वो सब लोग? 3000 महिलाओं के साथ इनका ये जो गलत बर्ताव था, अभी समाज 3000 महिलाओं के साथ उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं प्रज्वल के ऊपर, ये बीजेपी और सभी लोग कोई बात नहीं कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोले है बीजेपी वालों ने, आप कर्नाटक का खिलाफ है बीजेपी वाले,
आप भारत का खिलाफ है, समग्र हिंदू लोगों का खिलाफ है। आपको जब वोट चाहिए तब आप हिंदू का बयान देते हैं, आपको जब उनका फायदा आपको लेना है तब आप हिंदुत्व नॉट हिंदू, हिंदू अलग है हिंदुत्व अलग है। हमारे जितने भी लोग है वो समझ लेना, इन्होंने देश का संपत्ति लूटने के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए हिंदू का बात कर रहे हैं, हिंदू महिला का बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नेहा का प्रकरण है, मगर इनको हिंदुओं के ऊपर कोई प्यार नहीं है, कोई गौरव नहीं है। हिंदुओं का रक्षा कभी बीजेपी नहीं करते है, ये हमारे लोग समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सीपीआईएम पार्टी हमने आग्रह कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्रज्वल रेवन्ना जब यहां से भाग गया उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था 8 दिन में वापस आऊंगा, तो 8 दिन क्या कितना दिन हो गया इलेक्शन फर्स्ट फेज इलेक्शन को के, अब तक नहीं आए उन्होंने। इनका ये जो फैमिली है ना, देवेगौड़ा रेवन्ना कुमार स्वामी और इनके निखिल, इनके ये जो प्रज्वल, इनका ये बड़ा फैमिली है ना, ये फ्यूडल फैमिली है, पूरा हासन उनके हाथों के अंदर कब्जा कर बैठे हैं और लोगों को उन्होंने चुरी क्या बोलते हैं आप पूरा गुलाम बना के रखे हैं, कोई इनके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाना ऐसे बना के रखे हैं। एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक फ्यूडलिज्म है, डेमोक्रेसी का खिलाफ है। इसीलिए हासन के सिर्फ हासन के लोग नहीं, पूरे कर्नाटक के पूरे दुनिया के लोग अभी देवेगौड़ा फैमिली को डेमोक्रेसी का मतलब क्या है सिखा रहे हैं। सीखो थोड़ा सीखो, अगर आप सही इंसान है तो पूरा फैमिली बोलो, आपको मालूम है उन्हें क्या क्या बर्ताव करे, क्या क्या उन्हें गलती करे, पूरा फैमिली को मालूम है। ये छोटा भी उनको वो क्या है वो उनको सही करने के लिए नहीं बोले हैं। तो हमने कह रहे हैं अगर आप दिल के अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो आप पूरे फैमिली वालों बोलो हमारे गलती हो गया, जो शिक्षा देते हैं हम शिक्षा लेते हैं, कहीं भी है प्रज्वल उनको अरेस्ट करो और उनको शिक्षा दे दो। हम तो महिला के साथ है, कर्नाटक के साथ है, हासन के साथ है, हम डेमोक्रेटिकली काम करते हैं, फ्यूडलिज्म नहीं है। बोलो इतना देवेगौड़ा जी, बोलो इतना रेवन्ना जी, बोलो इतना कुमार स्वामी जी, मगर आप ये बोलने के बजाय जो 30 तारीख का आंदोलन है उसका खिलाफ बात कर रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी आग्रह करते हैं पहला इनको इंक्वायरी करो, हो सके तो और एक एफ आई आर इनके ऊपर डालो, ये हमने आग्रह कर रहे हैं। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.